सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह। पूरा परिचय दीजिए। मैं टापी नॉर्थ में रहता हूँ और इस विद्यालय में जनवरी से एक पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। विद्यालय का नाम सर? विद्यालय का नाम हुआ मेरा नौ प्राथमिक विद्यालय 23 नंबर टापी मांडू रामगढ़। क्योंकि शौचालय जाने के बाद एक बाल्टी पानी उसमें मारना जरूरी है और यह तो एक बाल्टी पानी का एक बाल्टी पानी भरने में एक घंटा लगता है बच्चों को, तो बताइए कि कैसे वो शौचालय यूज कर पाएंगे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बाल्टी पानी भरकर उठा के डालने में दिक्कत है। यदि नल उसमें होता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो सरकार को चाहिए कि हर शौचालय में जब तक नल और पानी नहीं होगा तब तक उसका उपयोग संभव नहीं है और वो कार्य भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि शौचालय में पानी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे देश का जो शौचालय है उसी ढंग का बना हुआ है, बहुत पानी चाहिए। बड़े बड़े घरों में लोग पानी का व्यवस्था रखते हैं, इसलिए उसका उपयोग अच्छी तरह से कर पाते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझा जा सकता है कि बिना पानी का शौचालय यूज कैसे होगा। शौचालय तो हर घर में सरकार बना रही है, लेकिन जब लोग खुद बर्तन धोने के लिए भी पानी उनको मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर सीसीएल द्वारा 3-4 खदान हैं, सारे लोग छोटे से बड़े सभी उसी पर निर्भर हैं, शौचालय के लिए उसी का उपयोग करते हैं, मजबूरी है उनका। अब देखिए सरकार शौचालय बनवाई है, पानी का क्या व्यवस्था होता है, और अभी शौचालय इस गांव में बन रही है और संस्था द्वारा बनाया जा रहा है, और यदि सरकार चाहे तो उसको 6 महीना के बाद आकर जांच कर सकता है कि उसका कितना उपयोग हो पा रहा है, क्योंकि किसी घर में पानी की व्यवस्था नहीं है। और हमको नहीं लगता है कि लोग उसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि उपयोग करेंगे उसको साफ करने के लिए उनके पास पानी नहीं होगा, खदान से पानी ला करके वो कितना डालेंगे शौचालय में, तो बहुत बड़ी समस्या है पानी की।